अरे ये तो ट्रेलर ही था, असली फिल्म शुरू होना ही है। मैं लद्दाख और लेह में 30 जगह पर पहाड़ पर चढ़ने वाली रेलवे बना रहा हूं। मैं बाद में हिमाचल में भी हर पहाड़ पर चढ़ने के लिए रोड नहीं ओके वो फेनाकुलर रेलवे बनाकर आपको पहुंचाने का काम करके दूंगा। और आप याद रखना, आना और बात करना और फिर भाग जाना है और फोकनाड़ मारना, ऐसा नेता मैं नहीं हूं। जो पत्रकार बैठे हैं सब मेरी बातों को लिख लेना और रिकॉर्ड कर लेना। आज तक 8 साल में मुझे कोई सवाल उठाने वाला एक पत्रकार नहीं मिला कि आपने बोला था और हुआ क्यों नहीं। जो बोलेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वही कहेंगे, और हिंदुस्तान को हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति और नंबर एक का देश बनेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, और उसके बाद मैं। हम दो चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये हमारा संस्कार है। तो मैंने कहा जयराम जी को कितने रोपवे चाहिए, कितनी केबल कार चाहिए, फेनाकुलर चाहिए, बताओ, मैं सब मंजूर कर देता हूं। तुम्हारे में जितना दम होगा उतना मांग लो, पूरा दे दूंगा। केवल एक बात मैं आपको कहूंगा, तुम्हारी बिजली है 5 साल के लिए, बिजली का रेट 3 रुपए यूनिट 2 रुपए यूनिट कम कर दो। ये हाइड्रो पावर यहां बनती है, आपके पास पावर की 10 साल के लिए दे दो, मैं इन्वेस्टमेंट लाऊंगा और आपको सब रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर, रेलवे, ये हवा में चलने वाली 100 100 लोग बैठे हुई ये बस चला दूंगा। मैं भी बंगलोर में हवा में चलने वाली 200 लोग बैठने वाली डबल डेकर बस चलाने वाला हूं, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो झूठ बात करता है, जो भी कहता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और मैंने संकल्प किया है कि पेट्रोल और डीजल को देश से हद्दपार करना है। मैंने इलेक्ट्रिक की बस लाई है, इस देश का किसान पेट्रोल और डीजल का पर्याय दे रहा है। अब हमारा इथेनॉल आया है, मैंने इथेनॉल पर 100% चलने वाली बाइक, स्कूटर, बजाज, टीवीएस, हीरो की आई है। नई सरकार के मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि हिमाचल में अब इलेक्ट्रिक के स्कूटर चलेगी, इथेनॉल पर चलेगी, आधा पैसा बच जाएगा और हिमाचल को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस चलेगी, अब मैं अगले महीने इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च कर रहा हूं, फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रिक सस्ती है, आपके ये झीलों में हाइड्रो पावर बिजली तैयार होगी और उस बिजली से हिमाचल के किसानों के, पंजाब के किसानों के ट्रक चलेंगे, गाड़ियां चलेगी, बसें चलेगी, ट्रक चलेगी, रोपवे चलेगी, केबल कार चलेगी, फेनाकुलर रेलवे चलेगी। हमें सामर्थ्यशील बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री का सपना है, आत्मनिर्भर भारत का सपना है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है और युवाओं के हाथों को रोजगार देना है और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, चौफेर विकास का हिंदुस्तान का निर्माण करना है। यही हमारा जीवन है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विचार है और यही पार्टी का हमारा कार्य है। ये देश बदल रहा है। और एक बात जरूरी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। बहनों और भाइयों, हिमाचल के रास्ते अच्छे बनेंगे, अच्छी टनल बनेंगी, अच्छे ब्रिज बनेंगे, हिमाचल में पर्यटन बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और जवान लड़कों के हाथों को काम मिलेगा और हिमाचल सुखी और समृद्ध और संपन्न बनेगा। केवल देव की भूमि नहीं तो देव की समृद्ध संपन्न भूमि करके हिमाचल देश में आगे जाएगा। और इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पर डे किलोमीटर बनाने वाला
दुनिया का अगर कोई देश है तो वो हिंदुस्तान है, इस बात का हमको गौरव है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि विकास के लिए चार बातें जरूरी होती है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मैंने कहा था कि दिल्ली से मुंबई इस साल दिसंबर के बाद 12 घंटे में जाएंगे, देखो हो जाएगा रास्ता, 70% पूरा हुआ। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में हो जाएगा, इस साल दिसंबर में हो जाएगा रास्ता पूरा। दिसंबर और चंडीगढ़ से मनाली तक का भी रास्ता तीरथपुर वाला, वो भी पूरा हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा दिल्ली से कब आए और कब निकले। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में प्रवास हो रहा है। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और इतना ही नहीं तो श्रीनगर से मैंने एक छेड़मोर टनल बनाई, और अब एशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला जो बन रही है, 50% काम पूरा हो गया है। और वो जोजिला टनल से लद्दाख और लेह पहुंचते हुए मैं 4 टनल बना रहा हूं, और वहां से लद्दाख और लेह से मनाली आएंगे। और आपने मनाली में देखा होगा, मैं बहुत बचपन में जब कॉलेज में था तो मनाली में आया था, तो रोहतांग पास जाने के लिए ऊपर गया था तो 3.5-4 घंटे लगे थे। अब हमने टनल बनाई अटल, 8 मिनट में जाते हैं। आप गए होंगे उसमें, 8 और 9 मिनट में होता है। अब उस टनल से बाहर निकलकर लद्दाख से लेह, लेह से श्रीनगर, ये पूरी टनल बन रही है, ये पूरा हिमालय सुंदर पर्यटन के लिए खुल जाएगा। श्रीनगर से कटरा के पहले जम्मू श्रीनगर रोड से डायरेक्ट दिल्ली से कटरा रोड को कट हो जाएगा, और 7 घंटे में 6 घंटे में वहां से दिल्ली पहुंच जाएंगे, और 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। और मुंबई के पहले सूरत से अहमदाबाद, अहमदनगर, नासिक, नासिक से अहमदनगर, नया रोड बन रहा है, और अहमदनगर से सोलापुर, और सोलापुर से कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, पूरा साउथ इंडिया में पहुंचने के लिए मार्ग खुला हो जाएगा। जो अटल टनल से निकलेंगे तो आप कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब पहुंच गए।